एक बहुत बड़े धनी आदमी थे। अब हुआ ये कि रात में वो सोए और अगले दिन खबर फैल गई कि उनका एक बहुत ही बेशकीमती तलवार थी, ठीक है, बहुत महंगी तलवार थी, उनकी तलवार चोरी हो गई। अब उसके बाद से भाई सारा शहर जान गया। उसके बाद पता ही है कि लोग आते नहीं है मिलने, आते हैं सांत्वना देने, तो वैसे ही अलग अलग लोग आते गए अपना समूह बना बना के। तो एकदम सुबह सुबह एक समूह पहुंचा उनसे मिलने के लिए। तो कहा कि अरे सेठ जी कहाँ रखे थे तलवार, कैसे चोरी हो गई? तो सेठ जी कहे कि अरे अपने तकिए नीचे रखे सोए थे, चोरी हो गई। अच्छा, ज्ञानी आदमी बहुत होते हैं, तो उसमें से कहा यही तो गलती की आपने, चोर जो होते हैं वो सबसे पहले तकिए नीचे ही टटोलते हैं। आपने मैं रख दिया, सिरहाने रख दिया आपने, इसे चोरी हो गया। पैर रखना चाहिए, अगर आपने अपने पैर के पास रखा होता तो तलवार चोरी नहीं होती। अच्छा ठीक, चले गए। दोपहर में फिर मिलने वाले आए, उसमें से फिर एक सवाल पूछा कि सेठ जी तलवार कहाँ रखी थी आपने? तो अब की बात कहे कि पैर के पास रखी थी। तो कहा यही तो गलती की आपने, पैर में पड़ी हुई चीज का ध्यान कहाँ रहता है आदमी को, इसलिए चोरी हो गई। अच्छा, ऐसे शाम तक आदमी मिलते गए, अपने अपने विचार देते गए, यहाँ रखे होते चोरी नहीं होता, वहां रखे चोरी नहीं होता। एकदम सेठ जी चिड़चिड़ा आ गए बिल्कुल। रात में एकदम जब बैठे हुए तक एक आदमी और आ गया मिलने, आया मिलने तो वही पूछ लिया, कहा सेठ जी तलवार कहाँ रखे थे कि चोरी हो गई? अब चिड़चिड़ा गए थे बिल्कुल, तो गुस्से बोले मुंह में रखी थी। कहे अब अच्छा, वो आदमी सोचा सही बोल रहे हैं बिल्कुल, वो सीरियस होता, यही तो आपने गलती थी, मुंह में रखी तलवार, लेकिन उसका हत्था था, हत्था बाहर छोड़ दिया होगा आपने और चोर देख लिया होगा, हत्था बाहर खींच लिया होगा, चोरी हो गई। कुल मिला के बात यह है कि दुनिया में क्या है, दुनिया ज्ञानी आदमियों से भरी पड़ी है। इसलिए क्या है, ज्ञान जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं उनके सामने मूर्ख बन के रहिए, ठीक है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और ज्यादा ज्ञानी लोगों से बचे रहिए।